पाकिस्तान के बाद कंगाली की कगार पर बांग्लादेश, क्या एक और पड़ोसी की होगी दुर्दशा। पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्ला की माली हालत खस्ता हो गई है। डॉलर की कमी झेल रहे बांग्लादेश में महंगाई और उत्पादों के निर्यात पर भारी संकट बना हुआ है। खाद और गैर खाद पदार्थों की कीमतें बढ़ोतरी के कारण फरवरी में बांग्लादेश की मुद्रा स्फीति 8.78% पर पहुंच गई। रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश की मुद्रा स्फीति फरवरी में बढ़कर 8.78% पर पहुंच गई। इसे एक महीना पहले यानी जनवरी में ये मुद्रा स्फीति की दर 8.57% थी। बांग्लादेश में फरवरी में खाद मुद्रा स्फीति बढ़कर 7.98% हो गई, जो कि पिछले महीने 7.41% थी। गैर खाद वस्तुओं की मुद्रा स्फीति बढ़कर फरवरी में 9.61% हो गई, जो कि जनवरी में 9.48% थी। ईंधन और गैस की कीमतों में लगातार बढ़त आम जनता और यहां के उद्योग धंधों पर असर डाल रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार का भी संकट बना हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो विदेशी मुद्रा संकट और अवैध लेनदेन के कारण बांग्लादेश में समग्र आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंच रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के पर्याप्त नहीं होने के कारण कई व्यापक बैंक आयात को लेकर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर सहालुद्दीन अहमद का मानना है कि जब तक ओवर इन्वॉइसिंग और हुंडी की जांच नहीं होती, तब तक डॉलर की कमी बनी रहेगी। सालेहुद्दीन अहमद ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को तुरंत ओवर इन्वॉइसिंग की जांच करनी चाहिए। इधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बांग्लादेश के लिए 4.7 बिलियन डॉलर के समर्थन लोन पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें बांग्लादेश बढ़ती ऊर्जा और खाद लागत से निपटने में मदद मिलेगी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद फॉसिल फ्यूल्स के आयात पर निर्भर बांग्लादेश को आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल 13 घंटों तक के राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट ने बिजली ग्रिड को प्रभावित किया था। बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार 46 अरब डॉलर से 34 अरब डॉलर तक गिर गया है। IMF लोन का उपयोग बांग्लादेश इसे बढ़ाने के लिए कर सकता है। पिछले मई से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा में लगभग 25% की गिरावट आई थी, जिसे पेट्रोल और बिजली की लागत बढ़ गई थी, जिसे देश की अर्थव्यवस्था में काफी असर पड़ा था। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने संकट के लिए सरकार को दोषी ठहराया, उस पर अरबों डॉलर की वैनिटी परियोजनाओं पर नकदी बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसके चलते शेख हसीना के इस्तीफे और आम चुनाव की मांग कराने की मांगे तेज हो गई हैं। बांग्लादेश उन कई दक्षिण एशियाई देशों में से एक है जो पिछले एक सालों में आर्थिक झटकों से निपटने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया।